हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद सोनम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन के अंदर एडवांस लर्निंग मटेरियल के इस सेशन के अंदर हम आप लोगों का लेक्चर नंबर सेकेंड है, लेक्चर नंबर आपका सेकेंड है और यूनिट फर्स्ट है, जो एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में जानना है। जो यूनिट में आप लोगों को पिछले यूनिट में बताए थे फाइबर के बारे में, फाइबर क्या होते हैं, एडवांस कंस्ट्रक्शन क्यों यूज किया जाता है, इस सब के बारे में बताया थे और फाइबर के टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। दो टाइप्स हो चुके थे ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो थर्ड आपका फाइबर है वो ग्लास फाइबर है। थर्ड जो फाइबर है ग्लास फाइबर है। बात आता है कि ग्लास फाइबर के रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या स्टील फाइबर से नहीं हो रहा था, कार्बन फाइबर तो बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है, तनाने की प्रॉपर्टी उसमें बहुत ज़्यादा था, तो हम क्यों ये थर्ड ग्लास को लाया गया। क्योंकि कहा गया है कि मतलब इतिहास गवाह है कि आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जन्य। हमें जो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो चीज़ आविष्कार करना पड़ता है। जैसे पीछे देखिए, पीछे लेटर से काम चलता था, चिट्ठी के द्वारा बातचीत हो जाता था एक दूसरे से, लेकिन आज देखिए हमें इतना आवश्यकता पड़ गया कि मतलब पल भर में हमको खबर चाहिए, पल भर मिनटों में खबर चाहिए एक दूसरे जगह से। तो मोबाइल फ़ोन आ गया, मोबाइल फ़ोन में बहुत बहुत मतलब आ रहा है, पहले 4G आया, अब 5G आने लगा, 3G ऐसे मतलब करके डेवलप हो रहा है। तो उसी तरह हम तीसरा ग्लास टेबल, ग्लास टेबल का यूज इसलिए पड़ा, मान लीजिए हमको क्या करना है, कहें कि हमको ऐसा मतलब दिखाना है कि शीशा का ब्रिज बनना है, जैसे राजगीर अभी फिलहाल शीशा का, बिहार में राजगीर अभी शीशा का ब्रिज बना है, तो उसमें मतलब हमको शीशा का ब्रिज बनना है। शीशा का मतलब कोई कंस्ट्रक्शन भी तैयार करने हैं, क्या शीशा का कंस्ट्रक्शन तैयार भी करने हैं और उनको में टेंसाइल प्रॉपर्टी भी रहना चाहिए ताकि में जब तनाने की मतलब लोड पड़े तो वो तना के टूट ना जाए। तो इसलिए लाया गया ग्लास फाइबर के। अब आता है कि ग्लास फाइबर में तनाने की प्रॉपर्टी पाया जाता है कितना, ऐसा हम जानेंगे अभी तुरंत। देखिए कुछ पॉइंट के बारे में, नाम से ही क्लियर है कि ग्लास फाइबर, नाम से ही क्लियर है कि ये, पहले देखिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नोट करेंगे, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। और बहुत सारे मतलब स्टूडेंट लोग ग्रुप में कमेंट करते हैं सर नोट्स प्राप्त किए, नोट देखिए मैं आप लोगों को खुलेआम बोलता हूँ, कोई नोट्स प्रोवाइड होने वाला नहीं है, यहीं पर आपको बता दिया जाएगा, आपका पॉइंट सारा सारा नोट कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए नोट्स आप भेजने से क्या होता है, आप नोट्स लिख लीजिएगा, आप वीडियो नहीं देखते, और वीडियो नहीं देखने से मेरा तो फायदा होता नहीं है, मेरा मतलब हमको कोई घाटा नहीं है, आप वीडियो देखिए चाहे नहीं देखिए, लेकिन आपका बहुत घाटा है। क्योंकि मेरा जो पर्पस है कि गरीब स्टूडेंट इस वीडियो को देखे ताकि जो के पास पैसे नहीं है ट्यूशन फी कोचिंग फी के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करे, तो वो भी आलसी हो जाते हैं और नहीं देखते हैं कि नोट्स तो हो ही गया, सेमेस्टर निकाल लेंगे और वीडियो नहीं देखते हैं, जिससे उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। सो इसलिए हम नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें क्यूज ये सब कराए जाते हैं। चलिए ग्लास फाइबर नाम से क्लियर है, बताए थे कि ये दो कंपोजिट नाम से क्लियर है कि एक ग्लास से बना होगा या तो फाइबर से बना होगा, यानी ग्लास से बना होगा या फाइबर से बना होगा। अब बात करें कि जो ग्लास से बना होगा वह कैसा ग्लास से बना होगा, तो ये अल्टीमेट मतलब होता है कि मैक्सिमम पॉइंट पे ग्लास को ले जाकर वहां पर इसको कंस्ट्रक्शन तैयार किया जाता है। यानी पहला पॉइंट हो गया कि इट इज द कंपोजिट मटेरियल, यह कंपोजिट मटेरियल है किसका, फाइबर और ग्लास का। अब बताता है कि ग्लास जो यूज करते हैं इस ग्लास फाइबर को बनाने में उसका डायमीटर कितना होता है, तो उसका डायमीटर 0.0036 mm उसका डायरा होता है। कितना होता है, 0.0036 mm इसका डायरा होता है ग्लास फाइबर का। अब आता है बात कि ग्लास फाइबर में टेंसाइल प्रॉपर्टी कितना पाया जाता है, तो ग्लास फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई पाया जाता है, मतलब हायर कैपेसिटी रखता है तनाने में। बात करें कि हायर रखता है कितना, तो 2110 से 2815 न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल आप बोल सकते हैं। देखिए इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है वो 1020 से 4080 मेगा पास्कल रहता है। सॉरी जो पीछे बोले थे वो गलत बोला गया था। देखिए इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी पाया जाता है वो 1020 से 4080 न्यूटन पर mm², इसमें टेंसाइल प्रॉपर्टी पाया जाता है। यह लाइट वेट का होता है जिससे हम इजी एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद एडवांटेज जानेंगे, डिसएडवांटेज जानेंगे, यूज जानेंगे। पहला पॉइंट हो गया आपका
इट इज कंपोजिट मटेरियल, दूसरा पॉइंट हो गया इट कंबाइंड अल्टीमेट फाइबर एंड टेंशन मटेरियल। ये मटेरियल है, मैट से दिखाया गया है। डाया ऑफ ग्लास 0.0036 mm, लाइट वेट, टेंसाइल मेगा पास्कल है, न्यूटन पर एम स्क्वायर। केमिकल रेजिस्टेंस, एक ट्रिक बताएंगे आपको जो या आपको प्रॉपर्टी याद रहे, या आपको एडवांटेज याद रहो, या आपको डिसएडवांटेज याद रहो, या इसके बारे में पॉइंट याद रहो, आप सब में एक बराबर ले सकते हैं। अगर याद न रहे तो एग्जाम में, वो जस्ट इसके बाद बताएंगे आपको। एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी होता है, देखिए कैसे वो बताते हैं, फिर इसको समझा देंगे। देखिए क्या है कि आपको मान लीजिए प्रॉपर्टी याद है, आपको प्रॉपर्टी याद है और इसके बारे में पॉइंट याद नहीं है, तो क्या कीजिए, प्रॉपर्टी को ही लिख दीजिए। कोई नंबर आपको फुली मिलेगा, या हमारा मतलब हम आपको प्रॉमिस करते हैं नंबर फुली मिलेगा, क्या बताते हैं रीजन भी, क्योंकि जो भी आप बताते हैं वो रीजन के साथ बताते हैं, क्योंकि कभी भी डाउट सेक्शन में नहीं गिना चाहिए मनुष्य को, खासकर स्टूडेंट को। देखिए ग्लास फाइबर मतलब मान लीजिए प्रॉपर्टी याद है, तो क्या हुआ इसका ही ना प्रॉपर्टी याद है, और एग्जाम में प्रॉपर्टी नहीं पूछा तो इसको ही लिख देंगे प्रॉपर्टी में, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होता। जो ऐसे ग्लास फाइबर के बारे में ही पूछ रहा है, ये ग्लास फाइबर के बारे में बताती है, इससे आपके पिताजी के बारे में पूछेगा, तो आपके पिताजी के बारे में पूरा पूरा डिटेल पूछेगा, ठीक है। तो अगर हम बता देते पूरा डिटेल, उनका हिस्ट्री याद नहीं है, तो अगर बता दें उनके बेटे का नाम ए है, उनकी वाइफ ए है, उनकी मदर ए है, उनकी सिस्टर है, तो क्या उतना ही डिटेल हुआ, वो भी डिटेल हुआ। उसी तरह से यहाँ प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो चलिए आप देखते हैं, हम ग्लास फाइबर के बारे में आपको बताया थे कि ये कंपोजिट मटेरियल है, किसका किसका हुआ, तो दो मटेरियल से मिलकर बना है, कंपोजिट में दो या दो से अधिक यानी टू मोर देन कंबाइंड मटेरियल, तो यहाँ दो मटेरियल से मिलकर बना है। पहला अल्टीमेट फाइबर, मतलब फाइबर को अल्टीमेट पॉइंट तक टेस्ट किया गया, वो तब यूज किया गया, और टेंशन मटेरियल हो सकता है। टेंशन मटेरियल में ज़्यादातर प्रिफर स्टील ही करते हैं, पिछला सेशन में आपका डाउट है क्लियर हुआ था। तीसरा जो है डाया ऑफ ग्लास, ग्लास का डाया कितना होता है 0.0036 mm होता है, यह लाइट वेट होता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 2110 से 40-20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए 10-20 होता है यहाँ पर, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 10-20 से 40-20 मेगा पास्कल होता है। 2110 किससे होता है, कार्बन का होता है, 2110 कार्बन का होता है। यह केमिकल रेजिस्टेंस है और एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस है। सो गाइस क्या कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, हम आगे एडवांटेज की ओर चलते हैं। 2 मिनट का वेट, मतलब 2 मिनट आपके टाइम लेते हैं इसको नोट्स करने के लिए। अब देखिए ये जो लिखवाए हैं लाइट वेट है, क्या है प्रॉपर्टी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रॉपर्टी है, केमिकल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, ये सारा का सारा प्रॉपर्टी है। तो आई होप आप नोट कर लिए होंगे, आगे ये हम जानते हैं आप एडवांटेज।
देखिए पहले जानते हैं आपको, तब उसमें लेंगे जो आपका कार सॉरी ग्लास फाइबर है उसका जो प्रॉपर्टीज की बात किया जाए, तो जो अभी तुरंत बताए थे कि यह पलक तो यह लाइट वेट होता है, पलक पट हो गया, दूसरा यह कोरोजन रेजिस्टेंस होगा, अगर कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं होता तो यह कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं होता। तो ये जानते हैं कोई भी मटेरियल फाइबर है, फाइबर का मतलब प्रॉपर्टी है टेंशन प्रॉपर्टी है, और जो भी टेंशन मटेरियल होते हैं वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने से एक लेयर चढ़ाते हैं भूरे रंग का, वो आपका कोरोजन कहलाता है, हिंदी में बोले तो जंग कहलाता है, इसलिए केमिकल रेजिस्टेंस है। अब बात अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस नहीं होता तो नाउअडेज मतलब अभी का जो समय है वह टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई आता है, अगर वो नहीं अगर रिएक्शन मतलब रजिस्ट कर नहीं की कैपेसिटी रहेगा तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा आएगा कि स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, तो तब हम यूज नहीं करेंगे। तो यूज नहीं करना था तो हम इसको लाए थे, क्यों क्योंकि इस बाद में लाए थे तो यूज करने की आवश्यकता पड़े तब लाया गया था। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, 10-20 से 40-80 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, 40-80 के नाम सुने ना, 40-80 न्यूटन पर एम स्क्वायर मेगा पास्कल होता है, बहुत हाई होता है। अब अगला आता कि लाइट वेट हो गया, यानी अगर आप एग्जाम में 6 प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको फुल्ली नंबर मिलेगा, इसलिए हम जानते हैं फिर लिख लेते हैं उसके बाद फिर से समझ लेंगे। इसमें आप 5 जान दिए हैं, छठा में देखिए देखिए प्रॉपर्टी आपको 6 लिखाए गए हैं, ये 6 प्रॉपर्टी याद करने में कुछ भार नहीं है, इसके साथ साथ वो डिफिनेशन में भी सिंबल लिखवा दिए इसीलिए कि ताकि आपको याद हो, एग्जाम में जाना है आपको सिर्फ लिखना है टाइम के अनुसार, टाइम बहुत रहते हैं इसलिए थ्योरी है इसलिए आराम से लिखिएगा। देखिए क्या बोलता है, एडवांटेज की बात अगर किया जाए तो जो ग्लास फेवर आपको होता है वो एडवांटेज में पढ़ लिखवाए, आपका लाइट वेट होता है, रियली में लाइट वेट होता है मतलब हल्का होता है, शीशा को आप देखेंगे शीशा का दरवाजा बनाइए शीशा का विंडो बनवाइए देखेंगे बहुत हल्का वेट का होता है, बहुत हल्का रहता है, तो इसलिए लाइट वेट होता है, आपको रियली में रिलाइज भी किया गया है। दूसरा होता है कि केमिकल रेजिस्टेंस में बताया है कि केमिकल रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करता है, जैसे मान लीजिए विंडो बनाए हैं या कांच का डोर लगाए हैं, या देखे होंगे कि कांच के कभी से बाउंड्री भी घर के मतलब वाल के चारों ओर बाउंड्री भी मरा जाता है, ऐसा नहीं होता तो कोई केमिकल एजेंट रहता वो क्या होता है गिर जाता है। लेबोरेटरी में देख लीजिए, मतलब लेबोरेटरी में देखिए क्या होता है, कांच का बना होता है, अगर केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रेजिस्टेंस नहीं पाया जाता कैपेसिटी तो बहुत सारे लेबोरेटरी में बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं जिनके गिरने से मनुष्य की हड्डी तक जल जाती है, तो शीशा पर अगर कांच का गिर जाता तो कांच का जल जाता है नहीं जलता इसलिए वह केमिकल रेजिस्ट होता है। अगला है कोरोजन रेजिस्टेंस, बताएं आपको ऑक्सीजन वाली बात, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बता चुके हैं आपको, कॉस्टली स्ट्रक्चर रियली में है
देखिए बिहार में अभी तक पहला ऐसा ब्रिज बना है राजगीर में कांच का, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, विदेश में था बिहार में था ही नहीं, तो विदेश में मतलब भारत में भी बहुत कम है, इसलिए बहुत कॉस्टली होता है। अगला है कि थर्मल इंसुलेटर, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। कभी सुने हो कांच में मतलब करंट आ रहा है, ये सोचोगे ग्रीन बॉम्बों में आता है, ऐसे में सुने होंगे ना कि कांच में आता है, तो आप क्या कीजिए, इसको एडवांटेज को नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम डिसएडवांटेज की ओर चलते हैं। फिलहाल इसको नोट कीजिए। देखिए एग्जाम में जब भी आप जाइएगा तो बेटर होकर मतलब बेखौफ होकर ना लिखिए, जे आए दिमाग में से लिख दीजिए, बात पॉइंट बैठना चाहिए और राइटिंग स्किल आपका बहुत मायने रखता है एग्जाम में। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेज क्या है। अब आप हमको ये लगता है कि आप खुद से डिसएडवांटेज इसे लिख सकते हैं, तो डिसएडवांटेज लिखने हम लिखाएं कि आप लोग लिखिएगा, हम चाहते हैं कि मतलब कम भी सेक्शन में कम टाइम में ज्यादा सिलेबस को कवर करें, तो डिसएडवांटेज हमें लिखाना चाहिए, नहीं आप खुद डिसएडवांटेज से बना लीजिएगा, क्या एडवांटेज में से कुछ छाट लीजिएगा, पॉइंट जैसे देखिए कॉस्टली होता है या डिसएडवांटेज के अंतर्गत दिया जाएगा, उस तरह से उसमें इंट्रोडक्शन कराया था आपको ग्लास फाइबर का, उसमें से लिख लीजिएगा, बस हो गया डिसएडवांटेज दो तीन चार। आगे हम जानते हैं कि व्हाई यूज ऑफ फाइबर, व्हाई यूज ऑफ फाइबर, फाइबर का यूज ही हम क्यों करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फाइबर का यूज ही क्यों करते हैं, फाइबर का यूज क्यों करते हैं, और फाइबर में दो चीज का यूज क्यों करते हैं, खासकर स्टील का यूज क्यों करते हैं, सब जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। चलिए इसको हम वाइब करते हैं। नहीं समझ लेते व्हाई यूज ऑफ फाइबर, कहने का मतलब फाइबर का यूज हम क्यों करते हैं। देखिए फाइबर का यूज हम इसलिए करते हैं स्ट्रक्चर में, कि स्ट्रक्चर जो पहले का बना होता था उसमें देखते होंगे कि ज्यादा लाइफ टाइम नहीं रहता था, मोटे मोटे वाल दिए जाते हैं, जैसे 10 10 इंच का, 5 5 इंच का, 10 इंच का, 15 इंच का, लेकिन आज के वाल देखिए 5 इंच का वाल एकदम पतला वाल, कहीं 2.5 इंच का वाल भी प्रोवाइड होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टील जो फाइबर आया, फाइबर में बहुत ज्यादा टेंशन प्रॉपर्टी पाई है, फाइबर में टेंशन प्रॉपर्टी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो पाए जाए, जैसे केमिकल रेजिस्टेंस होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, इसके साथ साथ इसका लाइट वेट होता है, इसमें बहुत इसमें कॉम्प्रेशन प्रॉपर्टी भी पाया जाता है, बट इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर इस बोर्ड के ऊपर आने वाला लोड 10 किलो का है, 10 न्यूटन का है, किलो न्यूटन का है, 10 किलोमीटर का है, और हम अगला आदमी मान लीजिए आप पूछते हैं, हम बता रहे हैं कि इस पे लोड 10 किलोमीटर, ये बोर्ड मतलब बोर्ड की कैपेसिटी 10 किलोमीटर लोड सहने का है, लेकिन हम आप पूछ रहे हैं हमसे कि बताइए सर इस बोर्ड पे लोड कितना कैपेसिटी सहने का है, हम आपसे बोल दिए कि 5 किलोमीटर ही यह सह सकता है, 5 किलोमीटर ही सह सकता है। देखिए समझिएगा, था इस बोर्ड की कैपेसिटी 10 किलोमीटर, लेकिन हम आपसे बताए हैं 5 किलोन्यूटन, बच गया कितना, 5 किलोन्यूटन जो गैपिंग बच गया वो हम क्या किए, सेव कर दिए। जैसे लिफ्ट में देखिए जाने के लिखा रहता है कि मैक्सिमम पर्सन इज अवेलेबल, मतलब इस पर चढ़ सकते क्लाइम 10 10 को, लेकिन 10 को एक कैपेसिटी रहता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 गुना रहता है उसका, यानी वो कोई भी कंस्ट्रक्शन तैयार होता है तो उसमें सोच लिया जाता है कि फ्यूचर में क्या है, क्योंकि बिहार ये जानता है, ये सब कोई बिहार का भारत मतलब पूरे जगह ये है कि 10 बोलेंगे 20 चढ़ेगा, इसलिए वो सोचता है इंजीनियर कि ठीक है तुम बिना पढ़ा लिखा इंसान जब मतलब इंजीनियरिंग नहीं किया तो इतना ज़्यादा सोच सकता है, तो हम तो इंजीनियरिंग किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो हम और सोचेंगे ना, तो इसलिए वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता है। तो इसलिए बहुत सारा आदमी मतलब इससे प्रॉपर्टी पाया गया, जो बताए कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया, केमिकल रेजिस्टेंस हो गया, एक गुड थर्मल इंसुलेटर होता है, ये सब बहुत सारा प्रॉपर्टी पाया जाता है। अब यहाँ बात आता है कि हम स्टील का क्यों यूज करते हैं, तो पिछला वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं, अब एक ही बात को बार बार डिस्कस करेंगे तो टाइम मतलब व्यर्थ पाएगा, तो वो शॉर्ट में चलते हैं।
स्टील फाइबर में दो तरह की यूज कर सकते हैं जनरली, दो तीन तरह के जनरली यूज करते हैं। एक तो एल्युमिनिया का यूज कर सकते हैं, या तो स्टील का, एक तो कार्बन बॉम्बो का। तीन तरह के जनरली यूज कर सकते हैं, एल्युमिनिया, बॉम्बो और स्टील। अब आता है तीनों में जनरल हम स्टील का ही यूज करते हैं। मस्टली प्रकार क्यों स्टील होता है, देखिए स्टील बॉम्बे और जो एल्युमिनिया है उसमें जो होता है स्टील में, स्टील तो सबसे पहला एक कॉस्टली नहीं होता, इकोनॉमिकल होता है, और इकोनॉमिकल के साथ साथ इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और इसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है, और ये लाइट वेट होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है केमिकल रेजिंग, इसी कारण हम स्टील को प्रेफर करते हैं। इसलिए हम लिखते हैं वाई यूज ऑफ फाइबर। फाइबर का यूज हम क्यों करते हैं अभी तुरंत आपको बता दिए, सिर्फ हमको यहाँ नोट करना है। ये बार बार आ रहा है केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है केमिकल रेजिस्टेंस। देखिए क्या हो रहा बोल रहा है कि फाइबर हम इसलिए यूज करते हैं कि लाइट वेट होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है, क्रोजर रेजिस्टेंस होता है, डक्टाइल फोर्स ज्यादा है, टेंसाइल फोर्स ज्यादा है, बहुत सारे वजह के कारण हम फाइबर प्रिपेयर करते हैं। फाइबर में भी स्टील का यूज करते हैं, बता दिया आपको, सो इसको नोट कीजिए। अगला पॉइंट हम चलते हैं प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। आइए हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपका प्लास्टिक है उसके बाद टैग जानेंगे। देखिए पहले समझ लेते हैं प्लास्टिक के बारे में। देखिए प्लास्टिक आपका जो है एक सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक मटेरियल कहने का मतलब बहुत सारे थिन थिन लेयर से बना होता है। चलिए आगे जानेंगे कौन कौन लेयर से बनाता है। सबसे पहले जानते हैं प्लास्टिक जो है एक सिंथेटिक मटेरियल है। प्लास्टिक सिंथेटिक मटेरियल होने के कारण इसमें मतलब बोले तो यह एक ऐसा प्रोसेस से बनाया जाता है प्लास्टिक पोलिमराइजेशन से। प्लास्टिक पोलिमराइजेशन से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जो बहुत बहुत थिन लेयर से इसमें क्या बने होते हैं, थिन लेयर से पोलीमर, मतलब पॉलीमर के थिन लेयर एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए तो मोर देन ज्वाइंट होकर प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। बात है कि क्या प्लास्टिक पॉलीमर से प्लास्टिक बना, सोचिएगा पॉलीमर से प्लास्टिक बना है तो सभी प्लास्टिक पॉलीमर हो सकते हैं कि नहीं, सभी प्लास्टिक पॉलीमर हो सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक पॉलीमर से ही बना है। लेकिन एक कोई जरूरी है क्या कि सभी पॉलीमर प्लास्टिक हो, नहीं। तो इस बोला कि सभी प्लास्टिक पॉलीमर हो सकते हैं लेकिन सभी पॉलीमर प्लास्टिक नहीं हो सकते।
प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया, पोलिथीन देखे होंगे, पीवीसी, पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, आगे जाएंगे, और उसके बाद आता है बैकेलाइट, उसके बाद आता है बैकेलाइट तीन, मतलब इतने तरह के प्लास्टिक आते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक के बारे में हम आगे जानेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके। फिलहाल फिर समझते हैं प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है जो पोलिमराइजेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, जो टू मोर देन थिन लेयर पॉलीमर से कंबाइन होकर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ऑल प्लास्टिक आर पॉलीमर बट ऑल पॉलीमर आर नॉट प्लास्टिक। एग्जाम्पल की बात करते हैं, पॉलीथीन होता है, पीवीसी होता है, बैकेलाइट होता है। अब इसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए क्या बात, जो आपका प्लास्टिक है एक सिंथेटिक मटेरियल है जो बहुत मतलब टू मोर देन थ्री लेयर पॉलीमर से मिलकर बना है। जब पॉलीमर से बना है तो ऑल पॉलीमर प्लास्टिक होगा, और लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्लास्टिक सभी पॉलीमर प्लास्टिक हो। इसका एग्जांपल बैकेलाइट हो गया, पीवीसी हो गया, वाटर सप्लाई होता है प्लास्टिक के पाइप से, प्लास्टिक का बोतल हो गया, ये सारा का सारा हम जानेंगे, बैकेलाइट हो गया सारा सारा जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में एक एक करके। फिलहाल इसको आप जान लीजिए, नोट कीजिए प्लास्टिक क्या होता है। अगला हम जानेंगे इस सेशन के अंदर जानेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में, उसको डिफाइन करेंगे, उस पर डिफरेंस जानेंगे। आई होप आप कुछ जान लिए होंगे, आप टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। अब वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सके। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं और मेरे जो टारगेट रहता है वो आप कंप्लीट नहीं करते, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है लाइक्स और व्यूज आने का। आप लोग उतना पूरा नहीं पाते हैं, जहाँ पर डाउट होता है आप क्लियर भी नहीं कर पाते हैं, कमेंट सेशन में कमेंट भी नहीं करते हैं, तो मैं इसमें क्या करूँ, आप कमेंट कीजिएगा तब मैं रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि हर समय देने के लिए एक्टिव रहता हूँ, लेकिन आप लेने के लिए एक्टिव नहीं रहते हो। तो चलिए हम जानते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। देखिए प्लास्टिक जनरली दो तरह के होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। बात होता है, फिलहाल जानते हैं दो तरह के होते हैं। पहला
थर्मोसेटिंग देखिए दो तरह के प्लास्टिक के बारे में जाने हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। सबसे पहले जो आपका है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नाम से ही क्लियर है क्या, सेटिंग मतलब एक बार जो सेट हो गया दोबारा नहीं आना। जैसे स्ट्रक्चर एक बार सेट हो जाता है फिर से आप कंक्रीट निकाल सकते हैं, फिर से ईंट निकाल सकते हैं, फिर से बालू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना एग्रीगेट ना फाइन कुछ निकाल नहीं सकते। उस तरह एक बार सेट हो गया तो हो गया। तो इसको हम जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसको एक बार सेट होने की वजह से इसको बोलते हैं हार्डन प्लास्टिक, मतलब एक बार हार्ड हो गया तो चेंज नहीं हुआ। तो इसका डिफरेंट डिफाइन अगर किया जाए तो दैट प्लास्टिक विच इज चेंजिंग वन टाइम्स ऑफ शेप ऑफ साइज, मतलब जो प्लास्टिक एक टाइम ही एक बार ही अपना शेप और साइज चेंज करता है ड्यू टू हीट, हीट की वजह से टेम्परेचर की वजह से थर्मोसेटिंग कराता है। मतलब कहने का मतलब वैसा प्लास्टिक जिसको एक बार हीट करके मोल्ड में ढाल दिया गया फिर उसको हीट करके दूसरा मोल्ड में नहीं ढाला जा सकता है उसको बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह जो होता है वो हार्ड होता है मतलब एक चांस में ही सेट हो जाता है। तो आता है इसका एग्जांपल ऐसा कौन सा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो इसके एग्जांपल बैकेलाइट होता है। बैकेलाइट जो है वो बहुत बैकेलाइट हो गया, बैकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक है जो वन चांस में ही सेटिंग हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं पहला जो प्लास्टिक है थर्मो सेटिंग क्या बोले, यही बोले कि एक बार ही अपना शेप और साइज को चेंज करता है ड्यू टू हीट, ड्यू टू हीट की वजह से थर्मोसेटिंग कहलाता है और इसको हार्डन प्लास्टिक भी कहते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम जानेंगे थर्मोप्लास्टिक, फिर दोनों में डिफरेंस जानेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। चलिए हम जानते हैं अब सेकेंड प्लास्टिक के बारे में जानते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक वैसा प्लास्टिक जो शेप और साइज बार बार गेन करे ड्यू टू हीट की वजह से थर्मोसेटिंग कहलाता है, यानी कि यह सॉफ्ट भी होता है तबे ना गेन करेगा जी। तो इस तरह इसको सॉफ्ट प्लास्टिक भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे पॉलीथीन देखते होंगे, पॉलीथीन जो होता है बार बार गलता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है पॉलीथीन हो गया। इसका पीवीसी भी प्लास्टिक पॉलीविनाइलक्लोराइड होता है, उसको गला के हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। तो वही बोलाता है यहाँ थर्मोप्लास्टिक। तो बोलेंगे इट इज डिफाइंड गेन शेप एंड साइज अगेन ड्यू टू हीट
और प्लास्टिक इज कॉल्ड सॉफ्ट प्लास्टिक। पॉलीथीन पीवीसी क्या बोले? जो प्लास्टिक बार बार शेपो साइज गेन करता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, इसलिए इसको सॉफ्ट प्लास्टिक बोलते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें पॉलीथीन पीवीसी। चलिए इसको नोट कीजिए, अब डिफरेंट जानते हैं। अगर देखिए मतलब इस तरह के सिचुएशन आए, रीजन आए, तो आप सिर्फ डिफरेंट याद कीजिए, डिफरेंट या डिफरेंस मटेरियल लिखा जाएगा। तो चलिए डिफरेंट को चलते हैं, जो डिफाइन किए हैं इसी में हम डिफरेंट फाइंड आउट करेंगे। चलिए जानते हैं डिफरेंट दोनों में क्या है। सो डिफरेंट की ओर हम चलते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंट? पहला तो इसको सॉफ्ट थर्मो मतलब इसको सॉफ्ट प्लास्टिक बोलते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा सॉफ्ट प्लास्टिक, और ये जो है एक बार ही गेंद करता है इसलिए इसको हार्डेड प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा पॉलीथीन पीवीसी पॉलीस्ट्रीन। इसका एग्जांपल हो जाएगा बेकेलाइट। इसको हो जाएगा कि लॉन्ग चैन विदाउट क्रॉस। इसका हो जाएगा लॉन्ग चैन विद क्रॉस टुगेदर। बोला कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसमें लॉन्ग चेन तो बनाता है लेकिन वह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, लेकिन वही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लॉन्ग चेन के साथ साथ एक दूसरे में क्रॉस भी करता है। तो आज आपके सेशन एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो।